माँ शाकंभरी भक्त मंडल का नौवां वार्षिक प्रकाटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा बेनीगंज स्थित संतोषी माता मंदिर से निकाला गया, जो डीबी स्कूल में पहुंचकर मंगल पाठ के साथ संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में शाकंभरी परिवार के भक्त नाचते गाते हाथों में निशान लेकर चल रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैभव स्वामी और संजीव सुल्तानिया ने कहा, तब लगेगा कि गोरखपुर झंडा ये निशान लहरा स्वामी। इस उत्सव है शाकंभरी परिवार का, 28 तारीख पौष पूर्णिमा के दिन होता है ये, तो हम लोग बहुत उत्साह से इसको मनाते हैं। कहाँ तक आप शोभा यात्रा ले जाएंगे? ये संतोषी माता से लेके डीबी इंटर कॉलेज था, वहीं पर शोभा यात्रा है, वहीं पर उत्सव है। मंगल पाठ है अनिता दीदी और लक्ष्मी भाभी के मधु स्वर से, माता का गुणगान होगा, भजन होगा। इसमें पायल अग्रवाल हैं, बनारस से आई हैं, मनोहर पारिक जी जो बंगाल से आए हैं। हम लोग सब मिलकर मैया का प्रकट उत्सव मनाते हैं। कितने सालों से निकल रहा है ये? लगभग हम लोग को करते हुए तो 9 साल से है इसको, 9 साल से हम लोग शोभा यात्रा, तो 3-4 साल से निकल रही है, लेकिन मनाया 9 साल से जा रहा है। संजीव सुल्तानिया, इसे उत्सव हम लोग मना रहे हैं माँ शाकंभरी भक्त मंडल की ओर से तत्वाधान में, और हमारा ये यहाँ सीता मंदिर से लेके डीबी इंटर कॉलेज प्रांगण गढ़ वेंकट हाथ में ये शोभा यात्रा जाएगी। उसके पश्चात हमारे यहाँ फिर मंगल पाठ 2 बजे से स्टार्ट होगा, नृत्य नाटिका होगी, भजन कीर्तन, बाहर से आए हुए कलाकार भजन कीर्तन करेंगे। उसके बाद वहाँ प्रसाद 56 भोग का कार्यक्रम हमारा है। काफ़ी यहाँ पे बाहर से भी हमारे काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि अदर स्टेट से भी लोग हमारे यहाँ आते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से आए हुए हैं लोग, कुछ मुजफ्फरपुर से बाहर से पटना से लोग आए हुए हैं, कुछ लोग हमारे सूरत से दिल्ली से लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से बाहर से लोग आए हुए हैं। तो सभी लोग का कार्यक्रम हम लोग होता है, काफ़ी धूमधाम से लोग बनाते हैं।